आज की दुनिया में किसी देश की ताकत का अंदाजा उसके सैन्य ताकत से लगाया जाता है। इस लिहाज से जिस देश की सेना जितनी बड़ी, अत्याधुनिक और संख्या बल में बड़ी होती है, उसे दुनिया में उतना ही ताकतवर माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ कोई आर्मी नहीं है? आइए जानते हैं इस बारे में हमारे फैक्ट नंबर 2 में। देश की सैन्य ताकत से देश के लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा होती है और देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण गंवाना त्याग का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों तक में लिखा गया है कि जननी जन्मभूमिश्व स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से बढ़कर है। लेकिन दुनिया में ऐसे भी देश है जिनकी अपनी कोई सेना नहीं है, या फिर जिन्होंने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी ऐसे देश को सौंप दी है जो कि कुछ सुविधाएं आर्थिक लाभ के लिए यह काम करता है। इस तरह दुनिया में ऐसे भी कई देश है जिनकी अपनी कोई सेना नहीं है, वरन उनकी पुलिस ही इस तरह का काम संभालती है। यह बात गौर करने लायक है कि ऐसे देशों की सबसे ज्यादा संख्या यूरोप में है। कुछ देशों का सुरक्षा आउटसोर्स करने से काम चल जाता है तो किसी को सुरक्षा की जरूरत नहीं है। स्विट्जरलैंड में इस बात को लेकर बहस चल रही है कि उसे सेना की जरूरत है या नहीं। वही आइसलैंड एक ऐसा देश है जिसके पास अपनी कोई सेना नहीं है। आपको अचंभा होगा जानकर कि इस देश में 1869 से कोई आर्मी नहीं है। आइसलैंड नाटो संगठन का सदस्य है जिसने यूनाइटेड स्टेट के साथ अपनी सुरक्षा का एग्रीमेंट किया हुआ है।